तू सवाल तो आडे पूछेगा लेकिन करते रहो शेर पहले मेरा बीपी तो कंट्रोल होन देताने एक तो पहले घर पे हमला कर दिया फोन पर करते लोग भला लिखे ना बोले इतने टाइगर आई वाज एक्सप्लोर पर बाल को नहीं कोई बाल आकर बैठेगा अच्छा भाई थैंक्स आर्ट ले चलो हां यू ज्यादा ज्यादा छोड़ दे भाई भाई इसलिए ज्यादा ज्यादा 10 स्पीड चले तो बढ़िया बन अच्छा भाई चलो भाई देख लो भाई सीख मिलो सीखने की चीज है सीखने की चीज है सीख डर हूं अरे आमी पकड़ी क्यों कुर्बान दिखावा है इष्टम कजेंद्र फोगट सिखाना ਸਿਖਾਣਾ ਦੇਜੋ ਬਾਰੇ ਬੱਡੇ ਕਰੀਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕਰਦਾ ਸਿਖਾਈ ਦੀ ਬਾਦਰੇ ਮਨਿਆ ਵਾਗ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੋਨੀ ਆਂਦੀ ਸੋਾਰੇ ਬੱਡੇ ਬੱਡੇ ਕਰ ਮਾਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਇਹੋ ਮਾਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਵੇ ਮ ਗਿਆ ਥਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸ਼ੁਨਾ ਤੇ ਬਹੀ ਤਦਸਕਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੋਲੀ ਮੈਂ ਹੱਟ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚਾਲ ਮੋਰਨੀ ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਗੜੇ ਕਿ ਜੂ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਤਰੀ ਪਿਕਚਰ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਤੂੰ ਬਸਤੀ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਸਾਂਸ ਸਵੇਰੇ ਹਾਇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਉਹਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨੀ ਦੇਣ ਬਸੇ ਸਾਂਸ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੈਟਰਮ ਜਾਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਮੈਂ

अपने अपने बलका ने अपना गाम जरूर दिखाई रहे। अपने अपने अपनी बोली जरूर सिखाई हो रहा है के पितर देव तेरा जी हो तो शुरू है जो व्यक्ति ये कहता है कि वो अपनी पत्नी से नहीं डरता वो या तो झूठ बोलता है और या तो वो झूठ बोलता है और या फिर उसकी शादी नहीं होगी देखनी है यूट्यूब वायरल देखनी है, लोग हैं तो उनमें कब सिर्फ इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि वो पूरी खालता रहे। हम कुछ लेकर चला। हाँ, मतलब सब के खालता रहे तो उसमें यही था कि हमसी देशा सा दिमाण सना बेरा आड़े शटन डड़का। हम दूध लाशी पी लेते तो मारो पेक ब्लेंडर का।

उसका घर है यूँ ये सफारी तो बड़ा प्यारा गणिया पुरानी ले रहे हैं रिश्ता बड़ा लगाव रखा है इस पर कपड़ा मैंने रखा सारे तो गजेंद्र फोकार तरफ फोन करा और पूछा कड़ा है गजेंद्र भाई राम 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 जी भाई साहब देसी पत्रकार कर, कर बोल रहा हूँ भाई क्या हाल है बहुत बढ़िया भाई साहब ठीक हो बस बस आप लोग कहा हूँ भाई जी बस वो ऑफिस मैं आऊंगा भाई साहब थोड़ी देर तक ऑफिस हाँ मिलता हूँ भाई साहब कान में ट्विस्ट यू है गजेंद्र फोगाट का घर है यू और उसकी गाडी खड़ी है और भाई दूसरी बात यह है कला परिषद का निदेशक है बहु काला की गाना इसे कई कई देशों में चलो कया दोस्त नुह है अग भाई मैं वाला हूँ लेकिन भाई देसी रेट है भी करना पड़ेगा इतना तो चलो मेरी गल कर दे भाई कर दे चलो अच्छा मी लोप लग रहा है तम सोचते हो में ताला है लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है गजेंद्र फोगाट गाडी नहीं पड़ोसियां खड़ी कराए यूँ कर को नहीं गजेंद्र का ਕਰ ਕਦਮ ਨਵੇਰਾ ਹੈ ਗੱਡੀ پڑوسیਆਂ ਖੜੀ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰਣਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦਾ پڑوسی ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕਰ ਹੈ ਫੋਰਗੌਟਸ ਗਜਿੰਦਰ ਫੋਰਗੌਟ ਗਣਕਰੀ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਰੇਡ ਮੈਂ ਪੜਵਾਉਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਵਿਸਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ भाई राम राम हमारे दर्शक राम 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 भाई क्या नाम भाई सौरभ सौरभ भाई।, भाई है तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए निकलने वाले बोल तो दो कोई मिलन आ रहा है मैंने तो बताया वो कोई मिलन आ रहा है और को बढ़ाएंगे तो सब हो जाएगा ओ बंद हो तो बंद है अरे लुच्चे <coughs> भाई साहब राम 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 भाई साहब मार दर्शक राम राम टाइम गजेंद्र फोगाट मारा कैमरा भाई भाई। राम राम करते जी कोई बा, तो फिर काट लियो राम राम जी वो ऑफिस की बात हुई थी ऑफिस की बात हुई थी भाई साहब मैं जो आड़ को लेकर था बोला रास्ते से जा रहा था आपकी गाड़ी को देख के मुस्कुरा रहा था आपकी गाडी दिखगी मो आप तो नो दो भाई साहब ऑफिस पे बस ऑफिस में लेकड़ी लिया था ऑफिस जब तेरा फोन आया तो इसलिए सोचा कहूं था भाई, भाई? दर्शक है भाई तो मैंने कहा था मैं ऑफिस में मिलूंगा और भाई ऑफिस में लकड़न की तैयारी में खेले रहोट सीट पे जाओ वो तो सारा थोड़ा कुर्सी का है लेकिन भाई सोफे में बैठो भाई शहीद कवि फौजी फौजमेर सिंह ग्रंथावली है अच्छा। पंडित जगन्नाथ जी सिमचाना वाले अच्छा उनकी पुस्तक है तो ये रीडिंग करनी है आज क्योंकि आ, आ, ये हमारे वो लोग कवि है जिनने पुराने और नए के बीच का पुड़ बनकर का काम करा अच्छा बात बात में देता है जो मैं पे ज्यादा जोर

मिक्का भाई ने मेरे से सीखा है क्योंकि हमारे मित्र हैं वो अपने बड़े भाई भी हैं विकास प्रेम जब रहा करते उन्होंने तो रोड़ा एल्बम का हमारे लिए तीन गाने भी कंपोज करे थे तो वो बड़े अच्छे मित्र भी हैं हमारे उस टाइम लाया ना करते मैं उस टाइम भी लाया करता आगे। 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 बेसिकली मेरे तो स्पेक्स हैं गोगल्स नहीं है लेकिन मैं कई बार न्यूबी न्यू भी काले का फायदा ही ये है मेरा क्योंकि मेरे होठों की हंसी मेरी आंखों तक नहीं पहुंचती तो इसलिए मैं चश्मे ला लू ताकि आपना मतलब फीलिंग आ ऐसा है। है। गुरु ये कहते थे कि बद्दा दिखना भी हिंसा एक बार आप चश्मा लालूरता अच्छा भाई गजेंद्र भाई।, भाई मतलब तो मन तो के, की कही आ, मैं काफी हो गया क्योंकि मेरी बात हुई थी ऑफिस की तो मैं

वॉलीबॉल था तो दोनों में जंप का बहुत है, तो जंपिंग का बहुत जंप का बहुत महत्व छत पर जंप मारा लोग दूसरे छात दूसरे आदमी का जम्प पानी का ठीक लेकिन का पीछे मकसद कई बार गलत भी हो जाए पड़ोसी की पर कूद मार जाए उसका वो भी चारो की जम्पिंग बहुत बड़ा काम है पार्टियों की बहुत बड़ी जंपिंग हो है कोई किसी पार्टी में जम्पिंग चल जाएंगे जफिंग नहीं चलेगी जफिंग जपी गलत है ਤਪੀਓ ਦੇ ਗਈ ਵਰੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਵਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਾ ਛੱਡੋ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣ ਮੈਂ ਯਹੀ ਵਗਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬਲ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਕੋਣ ਸਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਬਲੀ ਆਹ ਲਾ ਕੇ ਮਨੇ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜੀ ਧੀ ਭਾਈ ਜਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਗੱਡਿਕਨ ਧਿਆਨ ਪੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਜੂ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਨ ਕੀ ਕਿਦਰਤੀ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਂ ਖਬਰੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੇ ਅਭਿਵਾਦਿਤ ਗਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਦਖੜਾ ਬਿੰ चुअली क्या है च्या? कि जो प्रसिद्धि है वो एक बोझ है जब आप दर्शकों के सामने होते हो तो आपको दर्शकों की सुनानी पड़ती है अगर आप दर्शक की डिमांड पर कुछ गावागे नहीं हाँ। तो न्यू अपनी अपनी वे पुरानी पेल गया हाँ। अपना पुराना नहीं जिसके लिए हम पर सीधा तो न्यू नया कुछ अर्जेगा कोई इलाज नहीं मध्य मार्ग है महात्मा बुद्ध का दिखाया और कुछ हाँ कुछ दर्शक की मान लो कुछ अपनी तो दर्शक ने कही कि वो शहरीमान का गाना सुना जो इतना सुपर हिट हुआ लाके तीन पैग बलिए मैंने दो लाइन सुना दी फिर मुझे लगा कि यार

भारत जो है ना हाँ। इमोशनल देश है, है।, इमोशनल, देश है। इमोशनल देश है बहुत इमोशनल देश है और इसी इमोशनलिटी की ताकत से मारे लोगों ने आ, ना केवल मुगलों से वरन अंग्रेजों से भी और मुगल अंग्रेज की बात नहीं है हजारों लाखों साल की संस्कृति में डच आए पुर्तगाली आए फ्रांसीसी आए मुगल आए तुर्क आए तातार आए अंग्रेज आए आपके कितने ऐसे

चाहे तो मोदी नहर नहर बार बार जाओ विदेशा में अर्चा का जंत्र फोगाट वो के खेत खरीद रखे भाई इतने किले कैले खरीद रहे कुछ नहीं है माँ बोली माँ बोली हरियाणवी के चरणा पर बैठ के और दुनिया के चार महाद्वीपों की यात्रा करने के पीछे एक ही कारण है कि आज अपनी माँ बोली हरियाणवी ओवरसीज में इतनी प्रसिद्ध हो रही है और आज जितने और में अपने बोली के बेटे बेटियां बैठे हैं, अमेरिका, चीन जापान कितने बैठे हूँ उन सब ने अपनी कल्चर की याद दिवान में हम कामयाब हुए और उसमें सबसे पहले मैं होया, क्योंकि पहले मैंने लिखा कि माँ बोली तो मैंने भी आती ना और बर्गर में मजा नहीं जो मजा बाजा खाने में मतलब बादशाह तो कोई आवे से और मजा से मजा गया अच्छा यूट्यूब पे लाइव चल रहे आपके

मैं अंग्रेजी जाए तो बोल लूँ लोग न्यू बेरा पढ़ जाए मैं अंग्रेजी बोल सकूं <laughs> <laughs> क्या तो नरे तहसीला रहे हो नरे तहसीला रहे हो कहते <laughs> ये ये बिकॉज देखो आ, मैं जब विदेश में शो करता हूँ मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में शो कर रहा था तो उन्होंने मैक्सिमम जर्मन लोग बुला रखे थे तो वहाँ पे तो अलस केला चाओ बेला इस तरह से वो बोलते हैं हाँ। बट उनको मैंने क्या कराया कि मैंने हरियाणी में भी गाया और फिर उसका अंग्रेजी वर्जन भी एक दूजे तक क्यूक कर मिलते जय फ्रेंट का टूर ना होता, ना होता।, एक, ना होता। एक बार तू बला तू लेती एक बार जय बला तू लेती मैं तेरे तय ते दूर ना होता जय तेरे तय दूर ना होता गजेंद्र फोगाट मशहूर ना होता क्यूक कर लिखता क्यों कर गाता लेखन गान का सूर ना होता अच्छा भाई अंग्रे भाई अंग्रेजी की बात चल पड़ी गजेंद्र एक शब्द जो इंग्लिश की एक शब्द है उसका आज तक तो कोई अर्थ नहीं बता पाया आई नो मैंने क्यों भाई इसका नहीं इसकी हिंदी नहीं बता रहे कोई आई डोंट नो मैंने क्यों भाई इसकी हिंदी तो बता भी देंगे इसकी हरियाणा में बता दू ना मेरा दे रहे कर दियो भाई है तो इसका आदेश शर्मा था और हमारा तो घर का घर में जो मैं माना उसने भगवान की नहीं है पूरे भारत में मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी कार चीन कार बना सके संस्कार हमारा हरियाणा बनाओ उसकी फैक्ट्री अड़े है संस्कार हमारे ये है कि का स्वागत किया जाता है तो कर्मु भाई ने कहा है तो भाई शेयर कर दियो दूसरा क्वेश्चन अपना क्वेश्चन ये था कि अंग्रेजी अंग्रेजी तो हाँ, कर का प्रदेश है हाँ, हाँ, के को बालक रोता हो ना तो हिंदी लल्ला दूध की कटोरी कोई पंजाबी बोल बेटा वाह गुरु बोल वाह गुरु बोल को गुजराती होगी मेरा बेटा केम एम छो मा कुछ नहीं बालक रोता हुआ बस एक भाई एक बटा टीरी बजानी चुटकी मार बालक सुन सब चुप हो जाएगा फ्रेंच में फिर हाँ। चाइनीज में हाँ। फिर जर्मन में फिर चले गए हाँ। वो दो तीनों बूढ़े आपस में बात करें एक बोले आया भाई रामधारी बोला हाँ भाई रामपल बोला एक बात है आदमी ने एक ना एक विदेशी भाषा आनी चाहिए तो तो हमारी जो हरियाणवी लैंग्वेज है ना उसमें हर चीज का जवाब है इतना मीठा इतना रस है और एक बात बताऊ आपको ये जो इतिहास कर मेरे इतिहास पढ़ा है दिल्ली जो है वह तो देड़ी थी पहले हरियाणा की देड़ी को दिल्ली कहा जाता है हाँ, तो तो जिसने कहा आगरा इट वॉज गेट ऑफ हरियाणा और आगरा मथुरा ये तो ये तो हमारे पार्ट थे अरे एक चीज गजेंद्र भाई हरियाणा दिल तक बात करे है बहुत दिमाग तक बात करे मार्केटिंग कर हैं एक सवाल और पूछो मैं कहीं उसका भी जवाब देना कोई मनो कहीं पूछ लिया ने पिटना बंद कर दिया उसका जवाब नहीं दे रहा ना ये <laughs> <laughs> तो शुरू है तो ना है जो व्यक्ति ये कहता है वो अपनी पत्नी से नहीं डरता वो या तो झूठ बोलता है और या तो वो झूठ बोलता है और या फिर उसकी शादी नहीं हो रही सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी है बोला चाहे इसका स्वीकार करो अर्चर होगा सच्चाई हमेशा कड़वी भी देखिए एक महिला एक बच्ची एक लड़की अपना माँ बाप का घर इसलिए छोड़ती है कि क्योंकि एक और ऐसा ही घर बना सके उसका सम्मान करना चाहिए मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा अगर बेटी नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा और ए, और हर मजलिस में इसमें बड़े बुजुर्गों का होना भी जरूरी है वे नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा आजकल खंडवा नहीं बांधना आता बड़का मतलब बड़ा ईसा लागे जब मैं विदेश में जाऊँ कहेंगे भाई साहब खंडवा तो बांधना आता तो फिर मैं सब खंडवे बांधू लंदन में मैंने तीस चालीस लोगों को खंडवे धोती बांधी बांध दी और आजकल के बालका तो किस तरह बुझले <laughs> उन खंडवे नहीं बांध रहे और मैं तेरे 10 सेकंड के अंदर अंदर खंडवा बांध सकूंगा यो एक भाई गिनीज बुक का रिकॉर्ड बन गया कजेंद्र भाई ने कहा है 10 सेकंड में खंडवा बांध सके भाई बांध गए आप अपनी घड़ी चेक कर लो 10 सेकंड चेक कर लो अच्छा मेरे बांधोगे या अपने बांधोगे मैं आपको बांध खोलना पड़ेगा दोबारा फिर खोल दो अच्छा लव आया जो हो जाओ शुरू घणघराना कोई बाल भाई टाइम स्टार्ट पकड़ो हां जी यू ज्यादा ज्यादा छोड़ दे भाई भाई इसलिए ज्यादा छोड़ दे क्या दस 10 नहीं बोल रहा हूं मैं 10 से 20 रहले से बढ़िया बन अच्छा भाई चलो भाई देख लो भाई ऐसी मिले सीखने की चीज <laughs> <थीज़े>, <laughs> है सीखने की चीज है सीख दरी हूं अरे आमी पकड़ी क्यों कुर्बान है इस टाइम गजेंद्र फोगाट सिखाने लग रहा भाई

और पिताजी मेरे इंजीनियर थे तो उनकी तनख्वाह भी आया करती ईमानदारी अच्छा, अच्छा, से नौकरी करी साथ में बचत भी करी हम हम छह केड़ा में पूरा परिवार जो है ना एक टाइम गुजार का भी दिन देख रखे तो तो है कमजोर सी ले रहे पक्का भाई <laughs> ने वो, वो एक बार के हो गया बोलिया, बोलिया, <laughs> तो ना सकते गजेंद्र भाई एक चीज का हो रहा है नू का है ऑलराउंडर है आपने कह दिया भाई मैं सिंगर भी हूँ रैपर भी हूँ राइटर भी हूँ डांसर भी हूँ नो का खिलाड़ी भी खेलता भी फिर नौमी क्लास में किसम भाई जी अपनी Uh, मैंने एम किया है फिजिकल एजुकेशन में उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मास कम्युनिकेशन में गुरु जमेश्वर से अच्छा। उसके बाद उसके बाद डिप्लोमा किया है मैंने ट्रांसलेशन से अनुवाद का डिप्लोमा यूनिवर्सिटी से फिर मैं एन करने कर्ण से लाया गया पटियाला वहाँ से उड़े तो मता दिया फिर क्यों डब्बल्यू रोज गाना बजाना होया करता मैंने कहा तो खेल ले अरे नाच ले मैं बोला फिर नाच लेंगे लाएंगे मेरे तो एक सुविधा होगी भाई गजेंद्र भाई मेरा इंग्लिश माथ थोड़ा टाइट है मैं तो कई बार भी चल जाऊँ नाइफ में

Uh, मुझे नहीं। नहीं। मैं सिंगर रहा हरियाणा उन्नीस सौ छियासठ में बनाया पहला एक मेरे को बनाया हरियाणा के लोग में बैठे हैं जो

ना बहुत बुरा नहीं बन रहा बहुत अच्छा बन रहा है कोई बात और दस तो नहीं में तो हिसाब से बन गया था वो तेरा भाई हर घंटे दो घंटे लागे मन मन देख सकते सुंदर गणवा दो मार ले सुंदर देखो क्या है कि जो संगीत है ना उसकी कोई भाषा को नहीं एक केवल संगीत ही है जो पूरी दुनिया को एक कर सकता है ना कुछ समझ, आता हूं। भाव समझ में आता है इस दुनिया में दो ही तरह का संगीत है एक है भाव संगीत दूसरा है सुर सुगम संगीत जब माँ मीरा आचार्य वल्लभ सम्मेलन में शामिल होने के लिए गई ये अकबर के समय की बात है तो आचार्य वल्लभ जिंदा थे और आज भी वल्लभ सम्मेलन होता है पंजाब में तो मां मीरा ने वहां गाने की इच्छा रखी उन्होंने गाया गाया तो जो तान से गुरु हरिदास थे वो अच्छा सारे रोन लागे माँ मीरा ने जब गाया मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई अब जैसे भोजन पाए भोज पे तो अचार ये हरिदास जी जो तानसेन के गुरु थे उन्होंने कहा बेटा मीरा तूने गाया तो अच्छा लेकिन ये राग में नहीं था क्योंकि मीरा ने तो किसी नहीं था वो तो भाव संगीत तक गाया करती तूने गाया अच्छा लेकिन ये राग में नहीं था नहीं। तो मीरा ना हाथ जोड़ते हुए कहा गुरुजी राग में तो नहीं था अनुराग में तो था तो जो भाव इमोशन जो जो भाव है ना जब आप अपने जब कोई भी कलाकार कोई भी पत्रकार कोई भी कार कोई भी सृजनकार पत्रकार है ठेकेदार है सरकार है कलाकार है जो अपना सो जब वो सौ पे होगा ना पूरी दुनिया उसको

वो बड़े मिक्स थे जो काला शब्द है वो बड़ा फेमस था

हाँ चाहे वो इसमें था कि हु, हम कितने बड़े बन जावा हम कितने बड़े बन जावा माटी ने नहीं भुलावा सा चाहे लोन बना लिया कैसा भी पर तुलसी जरूर लगावा सा इसने कहा है अंदाज हरियाणवी लेकिन बात करी बिना सिर पैर की बात नहीं होती कुछ भी हाँ चाहे लोन बना लिया कैसा भी पर तुलसी जरूर लगावा सा दुनिया गावे एक दिन फोगाट के गाने में मन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाने में कोई को कुछ भी कहे जाओ कोई कितना भी मारे ऊपर ऑब्जेक्शन लाए जाओ आज से 20-50 सौ साल के बाद भी जब आ, आ, मेरे पे इल्जाम लानी है मेरे पे कीचड़ फेंकनी है लोग आ, उनका पोता पड़ोता या पड़पोता अपने प्रेमिका के विछो में दुखी होगा तो पानी का ज़रूर अच्छा भाई। एक दिन भी बात जान। मैटा जाता मैं, जान लाग रहा था मैं। जी। और मैटा जाते हरियाणव लाग गया दर मोह भाई मैं माई हरियाणा का दिक है मोल हरियाणा तो भाई गया मारा बता दे दे हरियाणा का होगा भाई नु बोला आपको कैसे बेरा पाटा <laughs> मनु बेरा पाटा <laughs> जिक्र तो ले नहीं मारा पूरी रेड भी बोलिया कर तो बोले आपको कैसे बेरा पाटा या जो विडंबना है या या इस टाइम सबसे ज्यादा जो है ना हमारे समाज को खोखला कर रही है आप किसी भी हरियाणवी बालक ने न्यू कह दो कि शुद्ध हिंदी में एक पैराग्राफ लिख के दिखा <laughs> इम्पॉसिबल फिर कौ इंग्लिश में लिख के दिखा. फिर कह शुद हरियाणु में लिख के दिखा इम्पॉसिबल मारा बालक ना तो हरियाणी में पकड़ पा रहा ना इंग्लिश ने छोड़ पा रहा बीच में फसा हुआ इसलिए मैं जितने भी आसमान टपका खजूर प्याके लटका जितने भी दर्शक सुनन लाग रहे हैं। अपने बड़का सब सबसे तो पहले वो ज्ञान दो जिस में ना तो पीछे लागते हूँ जो ना उदार है घर की रेमिडीज तो आधा ज्ञान हम ले के बाकी प्लस का ज्ञान जो बाहर लेना वो शुरू कर दिया लेकिन अपने घर के ज्ञान बाहर के ज्ञान पर अट्रैक्ट होंगे कितने गजेंद्र भाई किसी में भी कोई कीड़ा पैदा जब को रोग लागे है वो कितने तो लाइक गया रहे लोग आपका पीछे मतलब आपने फॉलो कर रहे हैं गजेंद्र किसने फॉलो करा गजेंद्र का आइडियल कौन है मैं तो बेसिकली मुझे डॉक्टर कुमार विश्वास बहुत पसंद है अच्छा। उनकी जो बातचीत का लेजा है, लेजा, लेजा। या उन, हाँ, उनका जो का तरीका है ना उत्सव का देश है सबसे अच्छा। सब अच्छी हाँ। माना जा है हाँ को मर भी जागा ना तो वो ले गया लुटी लुटी एक मजाक तो कुमार विश्वास मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके अलावा गुदास्मान साहब मेरे गुरु उनको सुनता आया मैं और आ, इसके अलावा मैं नुसरत फतेह अली खान को बहुत सुनता हूँ बहुत कमाल के गायक कितने उसमें जा लिया भाई बार मतलब कितने कंट्री आ, आ, मैं आ, पहली बार जब गया था तो आज से आठ साल पहले मैं थाईलैंड में गया था वहाँ मेरा शो था मेरा और मिका भाई का होटल सिम कैंप्स की में और ये पहला शो था मेरा अब्रोड का उसके पट्टे चश्मे लागत रहो है उस टाइम उसकी आदत पड़ी थी सही डाल दें <laughs> तो उस टाइम मैंने बताया ना भाई बता एक तो शो में चका दिया गणित इसका गणित समझाया आर... है, है। <laughs> और दूसरा है ना वो सबसे सच्ची जबान है आपके दिमाग में कुछ आंख जो है ना वो कह दी है तो मेरी आंख मेरे मन में क्या है वो मेरी आखिया तक है तो कोई ना पढ़ सके इसलिए भी सही है ये तो बढ़िया तरीका बटोलिया भाई यू मतलब आपने भीतर तक आया था आया था

ऑस्ट्रेलिया गया आ, उस टाइम मेरा गोल्ड कोस्ट में शो हुआ और ब्रिस्बेन रिपीट हुआ और खासकर ब्रिस्बेन में और सिडनी में मेरे चार अलग घड़े हैं और उसके बाद फिर मेरा लंदन में शो हुआ तो लंदन में हमने ऑस्ट्रेलिया पार्क में शो किया और दो तीन जगह लंदन में हमारा चीज़ और सुनो भाई के बारे में, <laughs> बार में, बार है। है? में सकरात उत्सव थी हम नाचन लाग रहे थे लिटरली स्टेज टूटी और मेरा पैर धाड़ से नीचे गया मेरे बाउंसर ने तुरंत मेरे को पकड़ा कौन टूटी स्टेज तोड़ी है नू आगे गजेंद्र भाई बोला टूटी स्टेज तोड़ी है गजेंद्र ने उछल उछल का, कूद कूद का

क्या कहना चाहूँगा भाई देखिए अगर अगर मैं टाइप्ड हुआ अगर मैंने एक पद की जो है गरिमा ली एक्सेप्ट की तो उसके साथ उसके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का आभास था मैंने सोचो था कि मैं अपने लिए तो खुद करने लग रहा हूँ अपने लिए तो सूरी भी करे है और आ खातर के कर कहा क्योंकि मेरी उम्र आ गई पे बैक टू सोसाइटी की अभी जो है करूँ भाई इतनी इतनी बुरी नहीं है देख लो आप देखो आप

28 देशों के कलाकारों को यहां मंत्रित करता हूं कोई पैसा नहीं लगता नहीं। हम सरकारी मद से लाखों करोड़ रुपए खर्च नहीं करते नहीं। वो लोग अपने खर्चे पे आते हैं सिर्फ यहां पे जो दानी सज्जन है वो खाना पीना उन दे दें हैं मंच लगवा दे यार वो देशों के 800 से ज्यादा कलाकार परफॉर्म करते हैं आप YouTube पे जाके इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल देख सकते हो आ, उसमें वो कलाकार मेरे साथ परफॉर्म करते नजर आ जाएंगे लगे ना फटकड़ी रंग भी चोखो रंग चोखा हरियाणा के लोग ने हम फ्रांस जर्मनी चीन इटली जापान अमेरिका की जितनी भी संस्कृतियां हैं उन तक रूबरू कराना रहे हरियाणा में भीतर बला गए भाई एक चीज और सुनो का टेब मतलब आपकी जो उसकी बात करा डेब्यू की डेब्यू कब तक हुआ अपना भाई पिछानवे के साल में पहली कैसेट आई कैसे हाँ मन उठा के लेनी पड़ेगी

नागिन डांस कराया कर यू ज्यादा छोड़ दिया शायद चलो भाई दस सेकेंड में तो बहुत परफेक्ट बन दिया बाकी सीखो भाई ये चीज सीख की है तो गजेंद्र भाई मंगार के मामले उनकी की कैसेट ये देखोगे आप यू मेक इज़ प्राउड थोड़ी सी है जी भाई ले भाई ये एक बात है ये इसने कहा ना विलुप्त होती चीजें ये विलुप्त होने लग रही है हमें कैसेट भाई ये दिखाओ दिखाओ भाई ये सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी सिंह की ज्ञानमाला माला रिकॉर्ड अच्छा आ... ये अपने बचपन की है ना ना जवानी का फोटो है ये है <laughs> और इसके पीछे ये ये कैसेट आई थिंक इसके पीछे ना सन भी लिखा होता था अच्छा अगर वो मिलेगा तो आप इसमें ये ना पैक्ड 98 यानी कि में, में या पैकिंग करी गई थी अच्छा। तो 97 में, में, में।, अच्छा। और, ये, ये ये में में। हमने इसको रिकॉर्ड किया अच्छा। था, और ये देखो, तो है, इसके आ, ये देखिए सी एंड पी इसको अगर नजदीक से देखेंगे ये आ, उस टाइम जो लोग अनि सिंह ने जो मानना है उन्नीस सौ सत्तानवे में मैं तो रैप की एल्बम थी यार सरिता चौधरी जी चलो मन्नत तो लोग नहीं जानते लेकिन सरिता चौधरी ने जानते होंगे सरिता चौधरी इस एल्बम में महिला आवाज थी और इसमें हमने दो नाम रखे एलों गरीबी और इज़ ओनली हरियाणा जो बात भाई मारा हरियाणा मैंने जो गाना गाया है वो इसमें है वो

जानते देखो भैया हवा का जो के पहला गाना आया था और रैप रैप पहले थी। रैप पहला रैप। इसमें गाए थे लगा था कि लोग हाथों हाथ आथ लेंगे लेकिन लोग पचा नहीं पाए क्योंकि उन दिनों सिर्फ या तो बाबा साहल रैप करते थे या मैं रैप करता था देश, देश में या, या, फ्यूचर की आपका दिमाग में भी भी ये रैप पे चलेंगे बेरा ही नहीं था उसके उसके दस साल बाद हनी सिंह पैदा हुआ उसके पंद्रह साल बाद हरियाणा में भी रैप पर आए तो नहीं पता था बाकी आ, हमारा जो बमलहरी था बहुत फेमस हुआ पानी आख्या का जो हमारा पहले टेप आई थी पानी आख्या की उसके बाद ये बड़ा फेमस हुआ गीत हाँ हाँ तो डिवोर्सू भी किए बालाजी का मोबाइल एक हमने नई कैसेट काटी थी नंबर बता दे तेरा और आ, ये शिव बमले जो हमारा जिसकी एक करोड़ से ज्यादा जा, सीढ़ियामलरी जो एक करोड़ से ज्यादा सीढ़िया तो अमरनाथ में बिक गई और आज तक भी इसका रिकॉर्ड है इससे ज्यादा बड़ा डिवोशनल जो है ना सॉन्ग नहीं हुआ ये उसका बाकी कैसे बहु खागड़ी ये जिस टाइम नरेंद्र बलारा जी का टाइम था और पहले टेप आती थी घरेलू किस्या की तो उस टाइम ये टेप ही आती थी सीडी का आविष्कार नहीं हुआ था तो टेप ही रिकॉर्ड होती थी हम पोस्टर खुद दलाया करते हैं अपने तो अच्छा ये भाई ये तो होगी आपकी डाइट की डाइट की और बात बता दो थो। थोड़ा हाथ दिनचर्या में क्या है रूटीन क्या हुआ भाई अपना उठने का सोने का वो तो, तो कलाकार का कोई टाइम नहीं होता कलाकार का बेसिकली ना हमारा रूटीन नहीं होता बड़ा गंदा रूटीन हमारा रात ने दस ग्यारह वो कई बार मेरी माता जी भी कह दिया प्राणायाम करेगा फिर योगा करेगा फिर थाली लेकर नाश्ता धोएगा और उस पास गाड़ी में बैठ कर ठीक साढ़े आठ बजे अपने ऑफिस में लिकट जाएगा तक मैं अपनी ने के समझाऊ कि रात ने डेढ़ बजे तो मेरा आइडिया दो बजे मैं कलम उठाऊंगा ढाई बजे मेरा गीत पूरा हुआ है तीन बजे

आ, लिखे तो गणी है कापी भर देखा नहीं क्योंकि बहुत सारे गीत तो ऐसे हैं जो आ, मैं स्टेजा पे आज तक रिकॉर्ड नहीं करे मेरे स्टेज के हैं जो स्टेज के, के, के लिए बने हुए हैं सिर्फ स्टेज पे जो मेरा दर्शक पा, मेरे दौरे प्रोग्राम देखना होगा ना उस खातर न्यारा गीत पाओगे अब थोड़ा दबाव आ गया बहु काले सुना पानी आख्या का सुना बलमा पावरफुल सुना

जितेंद्र तो तो भाई घने घने मोमेंट और ये वाट रखे मैं तो एक ऊं शोरूम तो देख के ऐसा लगा जो भाई ने के शोरूम करके क्या मोमेंट होगा इसमें सैंपल से करें मैं आपको दिखा हां भाई था 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 था। ये ये हरि, हरियाणवीज इन टेक्सस अच्छा भाई हरित ये टेक्सस जो स्टेट है अमेरिका में उसका एक डेलस शहर है वहां पे इन हरियाणवियों ने एक पूरी सड़क

अवार्ड ज्यादा हो गए और मैं इंसान छोटा हो, हो गया मेरा घर भी छोटा हो गया और देखो ये एक कलाकार के लिए ना सो की बात है कि उसके अवार्ड ज्यादा हो जाए और वो खुद छोटा पड़ जाए ये इसका मतलब प्यार प्यार होलसेल में मिल रहा है और मेरे ख्याल जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा मिल रहा है चलो भाई जी दर्शक करते रहो इसमें

आड़ दर क्या बात है हर है 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 चीज़ आइए एक एक वो ये बेंज़ू फिर साज आ गया अच्छा यू। हाँ बारे। बारे। लेटेस्ट में हाँ लेटेस्ट माउथ पियानो बोल रहे हैं इसने अच्छा मेंडोलिका भी कहते हैं तो बेंज़ू हमारा पुराना साज है <laughs> समझ हो गया हो कौन सा गाना है कमेंट करके बता दियो मेरी, हो। मेरी रोज खुजाव नजर लगी सारे अच्छा इन लग आ जाओगी सारे ये में एक्चुअली यो बेस बेस है इसमें आपको ना बेस देगा फिर से तो नहीं एक्चुअली एक्चुअली वो पंजाब में होता है वो सेम सुरकाल सुरकाल्गोजा होता है हाँ, वो उसके के बीन वाली आवाज आ जाए वो वो क्या होगा कि आपका सेम सुर होगा इसमें इस तो खैर ये बेस सुर सुनाई देंगे लेकिन वो सेम सुर पे अलगोजा करके शुरू की तीन इसके खोज हाँ, जो है मैं दबा लेंगे हाँ, हाँ, हाँ। इस तरह से बताते आगे आवाज ना दूर तक ट्रेन वाली लग रही है आरजू भाई इसमें

झाल डाट तू मने बता तन कौन कह बहु काले की मैं खाल तार लू साले की क्या बात है क्या बात है यू भाई यू हाँ चलो आ, बेसिकली हम इसने इसके कई नाम है मेंडोली का भी कहते हैं मेडली तो आ, इसको तो इसमें बेसिकली ना इसने तो फूक मार के बजाया अच्छा, ये एक बार मेलबर्न में एक आ, भिखारी जो है वो इसने बजान ला रहे तो फिर मैंने बजा यूट्यूब पे भी है वीडियो अच्छा? तो आ, उसको बड़ा अजीब लगा बोला इंडिया के आदमी ने बजाना मैं बोला इंडिया के आदमी लठ बजा ले है चलो भाई सुनो लो ये ये हैं उस साज बाज आप बस दया है माँ की अपने करते करते सीखे कोई टेक्निक तो किसी ने सिखाई नहीं आगा पर तो अभ्यास भी साज आगा आया कोशिश करी लिया थोड़ा थोड़ा हरियाणा <laughs> उखड़ में सिर दे का आदमी जब दो बैल समानांतर लक्षीर खेस सके ना फोटे की जरूरत तो तो को तो हम तो ये छोटे तो मोटे काम करे तो कुछ भी कोई है महाराज जो किसान है उसका बड़ा कोई आर्किटेक्चर नहीं हो सकता उसका मैं गजेंद्र भाई आपका आप ऑफिस में मेरा चक्कर मजावर ईबी ऑफिस में दाड़ की जरूरत नहीं करा रही चलो जी चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस खास देसी रेड में मेरे के जुड़े मैंने थोड़ी झूठ बोली लेकिन हर झूठ के पीछे मकसद हुआ है मैंने झूठ जहां तो बोली थी गजेंद्र भाई ने मैं घर पकड़ना चाहूं था सही बात तो याद थी जब मैं गजेंद्र तनु कदा भाई मैं घरा आऊ हूँ बेरा बुलावा नहीं बुलावा <laughs> तो मैंने भाई भाई तो कह दिया मैं कुछ दूर हूँ और ऑफिस पे मैं आ और भाई ने चाहे तो कह दिया मैं ऑफिस पे पूछ ना रहा हूं मेरा चक्कर में ऑफिस में लग था लेकिन मैंने घर है भीतर की बात और भीतर की बांप कटवाई तब ने मेरे जो सवाल मैंने गजेंद्र भाई तक रहे उनके जवाब बात है जो गजेंद्र भाई ने जवाब दिया मेरे सवाल आगे उन तक कितना संतुष्ट तो हो कमेंट करके बताइयो वीडियो पसंद आओ तो शेयर करियो घनी पसंद पसंद आ जाए तो सवा शेयर और उससे भी ज्यादा पसंद आ जाए तो बब्बर शेयर कर दे भाई? बिल्कुल सारे, सारे जो है ना इस वीडियो तो में, में भी आ सकते हो तो मैं, मैं, मैं लेट टाइम था और मैं ऑफिस में ही था क्योंकि जब भी ऑफिस का काम हो उससे हम टाइम नहीं देखते समय नहीं देखते क्योंकि राष्ट्र एकदम नाम हम सब कुछ राष्ट्र का हमारा कुछ नहीं है बाकी सब बाद में ਬਹੁਤ ਬਧਨਵਾਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਧਾਰਾ ਦੇਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਮੋ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਰਿਆਣਾ ਠੋਕੋਸਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਧੁਮਾਟਾ ਦੇਵਾ